Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Fashion News Chetna and आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं graphic t-shirt haul जो कि under 500 है. Trust me guys, इनकी quality बहुत ही ज़्यादा amazing है. Like इस type की t-shirt को आप वेकेशन के लिए स्टाइल कर सकते हो, या फिर मीटिंग में जा रहे हो तो स्टाइल कर सकते हो, कॉलेज जा रहे हो तो स्टाइल कर सकते हो, घर में भी स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज इनका जो प्राइस है वो अंडर 500 और कुछ टी शर्ट जो है वो 270 और 320 की रेंज में है. सो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में गुड क्वालिटी के मटेरियल की टी शर्ट है, ग्राफिक टी शर्ट, कुछ क्रॉप टी शर्ट है, कुछ लॉन्ग टी शर्ट है. सो आप उनको जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो विथ बैगी जीन्स या मॉम जीन्स या फिर हाई वेस्टेड जीन्स के साथ में, बहुत ही अच्छी लगेगी. मैं आपको सारी टी शर्ट स्टाइल करके दिखाऊंगी. सारी टी शर्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्राइस एंड ब्रांड एंड साइज कौन सा वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आपको हेल्प हो जाएगी. मेक श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फैशन विद चेतना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश रील्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जिसमें आप कैसे आपको ड्रेसअप स्टाइल करना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो मेक श्योर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिएगा, दैट इज फैशन विद चेतना. सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी टी शर्ट परचेस करी है एंड जितनी भी टी शर्ट मैंने खरीदी है वो आजियो से खरीदी है. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो की मैंने कौन कौन सी टी शर्ट खरीदी. सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बेबी पिंक कलर की टी शर्ट. ये जो इसमें जो मेरा साइज है वो लार्ज है, बिकॉज लार्ज साइज जो है अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा लूज है, बट आई थिंक मुझे इसमें मीडियम खरीदना चाहिए. फर्स्ट साइज जो है वो मेरे जैसा है, तो मेक श्योर आप मीडियम साइज खरीदिएगा, क्योंकि मैंने जो लार्ज साइज खरीदा है उसमें मुझे ये थोड़ी सी लूज है. टी शर्ट पे जो प्रिंट है वो बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न लिखा हुआ है, बहुत ही यूनिकॉर्न टाइप का ये प्रिंट है. सो मुझे इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा लगा. मटेरियल सॉफ्ट वाला जो कॉटन होता है वो है. बेबी पिंक कलर है, इसमें आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एंड इसका प्राइस आई गेस मैंने 300 रुपीज या अंडर 300 रुपीज पे किया. मैं अपने अकाउंट से चेक करके आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आपको हेल्प हो जाएगी. सो इसकी बहुत ही गुड क्वालिटी है एंड ब्रांड कौन सा वो भी आपको मेंशन कर दूंगी. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, प्रिंट वाइज बहुत ही अच्छा टी शर्ट है. लाइक इस टाइप के टी शर्ट अकॉर्डिंग टू मटेरियल मैं आपको बता रही हूँ, आप बाहर आउटिंग जा रहे हो या वेकेशन पे जा रहे हो तो आप शॉर्ट्स एंड बैगी जीन्स के साथ में स्टाइल करोगे तो बहुत ही क्यूट दिखने वाला है. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज ए ब्यूटीफुल सी ग्रीन बोल सकते हैं या लाइट ग्रीन कलर बोल सकते हैं, जिगजैग प्रिंट वाली ये टी शर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी. एंड यू नो ये वाली जो टी शर्ट है वो क्रॉप टी शर्ट है, लाइक आपको क्रॉप टी शर्ट जो आती है ना उस टाइप की टी शर्ट है ये. एंड आप इसको स्टाइल कर सकते हो हाई वेस्टेड जीन्स के साथ में, अगर आपको बहुत ज़्यादा टमी एरिया नहीं दिखाना है तो, या फिर आप शॉर्ट्स के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो जो हाई वेस्टेड हो. अगर आप लो वेस्ट जीन्स के साथ में स्टाइल करना चाहो तो भी आप स्टाइल कर सकते हो. सो मुझे इसकी लुकिंग एंड इसका जो प्रिंट है बहुत ही अच्छा लगा, बट थिंग इज दैट कि इसका प्राइस जो है वो 585 रुपीज़ है जो कि अबाउ 500 है. सो ये वाली टी शर्ट बहुत ही क्यूट है लुकिंग वाइज. इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक तो बेबी पिंक कलर एंड एक ग्रीन कलर. सो मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगा था वो मैंने पिक किया, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज 585 रुपीज एंड मटेरियल ओके है. सो समर के अकॉर्डिंग इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, वॉश करने के बाद कहीं पे भी खराब नहीं होने वाला है. अगर आप चाहते हो कि आपको ये टी शर्ट खरीदनी है तो मेक श्योर आप खरीद सकते हो, बट मुझे ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस अकॉर्डिंग टू मटेरियल, बिकॉज ऐसी क्रॉप टी शर्ट सेम मटेरियल की मैंने बहुत ही रिजनेबल वाली प्राइस में खरीदी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी. बट इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगा था, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट, बट मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी. ये वाली टी शर्ट भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है. आप कम प्राइस में भी इस टाइप के मटेरियल की टी शर्ट ले सकते हो, बट इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए ये वाली टी शर्ट मैंने पिक करी और इसको वियर करने के बाद इसकी लुकिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट आती है. नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट क्रॉप टी शर्ट दिखाने जा रही हूँ. ये वाली जो टी शर्ट है ना वो भी क्रॉप टी शर्ट है, आप देख सकते हो, और इसका प्राइस मैंने जस्ट 272 रुपीज पे किया है. मटेरियल सेम जैसा कि मैंने आपको पहले वाले टी शर्ट दिखाया वैसा ही इसका मटेरियल है, बट इसका प्राइस 272 रुपीज है, उसका 585 रुपीज था, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट उसका डिजाइन थोड़ा सा क्यूट था. इसका डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. ये भी क्रॉप टी शर्ट है, आप हाई वेस्टेड जीन्स के साथ में इजिली स्टाइल कर सकते हो, शॉर्ट्स के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो. इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम रील देख सकते हो कि मैंने कैसे इसको शॉर्ट्स के साथ में स्टाइल किया है. सो ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी एंड क्यूट टी शर्ट है, और इसका मटेरियल भी सेम जो मैंने पहले वाली टी शर्ट दिखाई थी उस टाइप का मटेरियल है. प्राइस 272 रुपीज, सो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा रिजनेबल टी शर्ट है ये, और बहुत ही एक कम अमाउंट में आपको इतनी स्टाइलिश टी शर्ट मिल जाती है. मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ब्रांड कौन सा, साइज मेरा मीडियम है, ब्रांड कौन सा वो आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ये टी शर्ट बहुत ही अच्छी लगी. ये वाली टी शर्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आप कोई क्रॉप टी शर्ट देख रहे हो तो. दिखाने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी लाइट स्काई ब्लू कलर जो होता है ना उस टाइप की टी शर्ट. बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है इस पर एंड इसका प्राइस भी मैंने 272 रुपीज या 300 रुपीज पे किया. सो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी जो स्लीव्स पे ये ब्लैक
एंड ये जो ब्लैक कलर की डिजाइन है नेक पे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट बनाती है इस टी शर्ट को। एंड इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बेबी पिंक कलर भी अवेलेबल है, बट मुझे ये थोड़ा ये वाला कलर चाहिए था इसलिए मैंने ये वाला कलर पिक किया। इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है, इसकी लुकिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ये वाली टी शर्ट भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ बिकॉज प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, थोड़ी स्टाइलिश लगती है एंड बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। इस टाइप की जीन्स को आप स्लिम फिट जीन्स के साथ में या फिर लूज जीन्स जो होती है मॉम जीन्स या फिर शॉर्ट्स के साथ में स्टाइल कर सकते हो। वैकेशन के लिए एकदम परफेक्ट टी शर्ट है, बाहर घूमने जा रहे हो तो भी परफेक्ट टी शर्ट है, आप आसानी से इसको स्टाइल कर सकते हो, एक अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छी टी शर्ट है ये। नेक्स्ट जो मैं आपको टी शर्ट दिखाने जा रही हूँ ये प्रिंटेड टी शर्ट, डोंट पैनिक लिखा हुआ है इस पे। सो ये वाली टी शर्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा लूज है बिकॉज मैंने इसका साइज जो है वो लार्ज पिक कर लिया था। सो मुझे बस्ट एरिया से बहुत ही ज़्यादा लूज है, लाइक ऐसा लग रहा है कि मैंने XL या डबल XL साइज की कोई टी शर्ट पिक कर ली। सो आपको अगर ये टी शर्ट पसंद आती है तो मैं आपको मीडियम साइज लेने को बोलूंगी। एंड प्रिंट वाइज ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखती है, बट इसका जो मटेरियल है ना, आई डोंट नो इसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची मटेरियल है ये और इस टाइप का फैब्रिक आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का फैब्रिक और स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। सो दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इस स्लिम फिट जीन्स के साथ में स्टाइल कर सकते हो, आप बाहर घूमने जा रहे हो वैकेशन पे हो तो आप शॉर्ट्स के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। एंड प्राइस जो है इसका बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 350 रुपीज़ और आई गेस 300 रुपीज़ समथिंग कुछ है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इस टाइप की टी शर्ट को आप कितनी भी बार वॉश कर लो मुझे नहीं लगता है खराब होने वाली, आराम से 10 साल चल जाएगी इस टाइप का इसका मटेरियल है। सो मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी लगी। एंड अगर आपको इस टाइप का मोटा मटेरियल पसंद नहीं हो तो मेक श्योर आप नहीं लो क्योंकि ये कॉटन की टी शर्ट नहीं, आई डोंट नो मुझे नहीं पता ये किस टाइप का मटेरियल है। नेक्स्ट जो मैं आपको टी शर्ट दिखाने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी रेड कलर की टी शर्ट है, ब्यूटीफुल सी फ्रेंड्स लिखी हुई ये टी शर्ट है, रेड कलर की टी शर्ट है। सो इस टाइप की टी शर्ट को आप स्लिम फिट जीन्स के साथ में स्टाइल कर सकते हो। अगेन इस वाली टी शर्ट को आप वैकेशन पे कॉलेज के लिए या मार्केट जा रहे हो तो स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल टी शर्ट है ये, 270 या 300 की रेंज में ये टी शर्ट है, बहुत ही प्रिटी कलर लगता है रेड कलर गर्ल्स के ऊपर। सो आप इजीली इस टाइप की टी शर्ट को स्टाइल कर सकते हो। मटेरियल जो है इसका वो प्योर कॉटन है, अगर आप चाहो तो इस टाइप की टी शर्ट को घर के लिए भी मंगवा सकते हो बिकॉज रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है शॉर्ट्स के ऊपर। सो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी ये वाली टी शर्ट, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ बिकॉज इसकी लुकिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी। सो ये ब्यूटीफुल सी प्योर कॉटन की टी शर्ट है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड 6 टी शर्ट है जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये टी शर्ट मैंने पिक करी है आजियो से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो गाइज। सो आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप कौन सा कॉन्टेंट देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो भी मुझे बताइए, आप नीचे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि मैम दीदी जो भी आप मुझे बोलना चाहो कि आप प्लीज़ हमारे लिए ये वाला वीडियो बना दीजिए या इस टाइप का कंटेंट आप लेके आइए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे से मेरा कंटेंट देख रहे हो, आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। फर्दर कौन सा कंटेंट देखना चाहते हो वो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं फर्दर कौन सी वीडियो लेके आऊँ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत कम प्राइस में खरीद लिया, आप वहाँ पे कमेंट देखा करो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैंने जितने प्राइस में खरीदा उससे भी बहुत कम प्राइस में खरीद लिया है। सो प्राइस है ना हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आपको पता है कि कभी सेल आती है कभी विदाउट सेल, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं प्राइस, तो आप हमेशा ट्रैक करते रहा करो कि कब इसका प्राइस कितना कम। अगर मैं कोई सस्ते में खरीद रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो उस रेंज में बिकता है, उस रेंज में आता है, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप वेट नहीं कर सको तो आप विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो या जब भी डिस्काउंट आए तब आप खरीद सकते हो, हो सकता है कोई कूपन कोड लगा के आपको सस्ता मिल जाए, बट आपको हमेशा सेल का वेट करना चाहिए। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अच्छे खासे सेल का वेट कीजिए तो आपको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो मैं जब खरीदती हूँ तब सेल होता है या कभी कभी मैं विदाउट सेल भी खरीद लेती हूँ। सो ये बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि हमेशा आपको सेल में मिलेगा या विदाउट सेल में मिलेगा। सो आप ये मत सोचा करो कि मैं हमेशा सस्ता दिखाती हूँ या हमेशा मेरे को सस्ते मिल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी सेल रहती है कभी कभी सेल नहीं रहती है, तो आप हमेशा सेल का वेट करिएगा। सीरियसली गाइज आपको सेल में ही बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप विदाउट सेल खरीदोगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। सो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप सेल में खरीदें। आई होप आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहेगा, मेरी ये टिप्स हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।